हेलो दोस्तों, आधिका मम किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं प्याज की कचौड़ी। प्याज की खस्ता कचौड़ी बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो दोस्तों, चलिए हम ये टेस्टी सा जो खस्ता कचौड़ी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे ये 1 टेबल स्पून यहाँ पे अजवाइन, इसको हम क्रश करके डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने नमक लिया है, नमक इसमें हम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हमको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हमको मिक्स करना है। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ऐसे करने के लिए देखिए इसकी ऐसे बस बन जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मोयन है वो बिल्कुल सही है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक साफ तो जो होता है ना नॉर्मल, वैसे ही हमको इसको तैयार करना है। ज्यादा हमको इसको कड़ा नहीं करना है। इसे डो जो है वो हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। हमारा इतना पानी जो है वो बच भी गया है दोस्तों। अब गैस से मैंने पैन रख दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून यहाँ पे साबुत धनिया, यहाँ पे 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून यहाँ पे जीरा, और इसको हमको ड्राई रोस्ट करना है। और यहाँ पे मैं 2 लाल मिर्च को तोड़ के ऐसे ऐड कर रही हूँ और इसको हमको रोस्ट करना है। अभी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब इसको हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद इसको हम दरदरा पीस लेंगे और अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो इसका हमको ऐसे ही दरदरा पाउडर बनाना था तो मैंने इसको बना लिया है दोस्तों। अब मैं पैन में ऐड करूंगी 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 ग्रेटेड अदरक और यहाँ पे 1 टेबल स्पून और ऐड करूंगी मैं यहाँ पे लहसुन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसका हल्का कलर चेंज हो जाए तो उसके साथ ही जो हमने ये मसाला पीसा था उसको मैं ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसी में ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी और यहाँ पे हमको गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये बारीक कटा हुआ 4 मैंने छोटी साइज का प्याज लिया था, यहाँ पे ये 1 कप है और आप इसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। और मैंने इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है तो अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। दोस्तों, हम ये प्याज की कचौड़ी बना रहे हैं तो इसमें प्याज की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच यहाँ पे मैं बेसन ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको हमको भूनना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो चला जाए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और नमक कम ही इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने डो में भी नमक डाला है। इसको हमको लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक इसको ऐसे ही भूनना है जब तक ये थोड़ा सा मॉइस्ट होकर थोड़ा सा कम ना हो जाए। और इसके बाद कम होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बॉयल करके आलू, उसको मैश कर दिया है मैंने अच्छे से और उसको मैं इसमें ऐड करूंगी। तो मैं इन आलू को इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट हमको इसको भूनना है। तो आप चाहे तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, हरी धनिया बारीक काट के उसको ऐड कर सकते हैं, इससे जो है इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। लेकिन ये ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है। और लास्ट में अब मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला। आपके पास अगर चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं, इससे उसमें थोड़ा सा खट्टापन आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर देना है।
ओके, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। तब इस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब इसकी हम बॉल्स बना लेंगे। हम प्याज की कचौड़ी बना रहे हैं तो प्याज जो है वो जो स्टफिंग है वो कचौड़ी में ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये खाने में अच्छे लगते हैं। और ऐसे बॉल्स बनाने के बाद जो है वो फटते नहीं है, तो हमेशा जब भी कुछ को हम कुछ भी हमको स्टफिंग करना हो, हमको कुछ कुछ भी भर के बनाना हो, तो हमको ऐसे इसके बॉल्स बना लेना चाहिए और वो बहुत ही आसानी से बन जाता है। दो जो है वो अच्छे से रेस्ट कर चुके हैं, एक बार इसको हम अच्छे से इसको मसल लेते हैं। तो मैंने ऐसे बॉक्स बना लिए हैं। तब हम कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा हम आटे में ऐसे कोटिंग करके इसको, और हाथ से ही हम कचौड़ी बना रहे हैं तो हाथ से ही हम बनाएंगे। आप चाहे तो बेल के भी बना सकते हैं, लेकिन ये हाथ से ही बहुत ही अच्छा बनता है। और ऐसे हमको इसको ऐसे डिप करना है ऐसे, ताकि इसमें ये जो बॉल्स हैं वो अच्छे से फिल हो जाए। ऐसे देखिए घुमा कर, और अब इसमें हम ये बॉल्स जो है वो ऐड करेंगे और इसको हम ऐसे पैक करेंगे। इसको हमको सील करना है ऐसे घुमा घुमा के ऐसे, इसको हम ऐसे घुमाते हुए और ऐसे इसको हम दबा के इसी में हम इसको ऐसे दबा देंगे और अपने हाथों से थोड़ा सा इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा चिपटा कर लेंगे। और ये देखिए हमारी जो कचौड़ी है वो रेडी है। एक दूसरा बना के आपको मैं दिखा देती हूँ। कभी ऐसे हम इसका सर्कल बनाएंगे और ऐसे इसको मैंने बना दिया। अब इसको हम ऐसे फिल करेंगे। दोस्तों आप ये मैदा ज़्यादा नहीं लेंगे, इसको पतला ही बनाना है, नहीं तो केवल मैदा का ही टेस्ट आएगा। इस प्याज की जो ये फिलिंग है इसकी इसका बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आएगा, तो इसलिए आपको इसको कम लेना है। और अब इसको हमको बंद करना है, इसको हमको पैक करना है। इसको ऐसे हमको अंदर से प्रेस करते हुए और इसको हमको बाहर से ऐसे बंद कर देना है। अब ये देखिए इसको घुमाते हैं ऐसे ही इसी में, ऐसे इसको हमको दबा देना है और ऐसे इसको हमको प्रेस कर देना है। ऐसे हम सारी कचौड़ी बना लेंगे। हमारी कचौड़ी जो है वो रेडी हो गई है। तब इसको हम फ्राई करते हैं। जैसे मैंने ऑयल रखा है, ऑयल जो है अच्छे से हीट हो चुका है। तो अब इसमें हम एक एक करके कचौड़ी जो है गैस की फ्लेम को हमको लो ही रखना है। हाई फ्लेम पे अगर हम फ्राई करेंगे तो ये जो बाहर से है क्रंची हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। नीचे से इसका कलर जो है हल्का चेंज हो रहा है। तो अब हम इसको हम सलाद के दूसरे साइड भी हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का जो इसका कलर है वो चेंज हो रहा है। हमको दोनों साइड इसको पलटते हुए इसको फ्राई करना है। ये देखिए दोस्तों हमारा जो कचौड़ी है वो बिल्कुल रेडी है। इसका कलर जो है वो कितना सुंदर आ गया है। और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा टेस्टी सा जो है प्याज की कचौड़ी वो रेडी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।